हेलो दोस्तों, तो क्या हाल? सब की आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज है हमारे साथ एक भाई अपना इंडिया से है, जो कि अपने यूपी बिहार से है। तो ये मलेशिया में है फिलहाल, अभी काम कर रहा है। तो इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, काम के बारे में। क्या काम करता है मलेशिया में, कितना टाइम हुआ? तो हाँ जी भाई, क्या नाम आपका? मेरा नाम छोटूलाल सहनी है। ये माइक पकड़ लो और बताओ। मेरा नाम छोटूलाल सहनी है। मेरे को मलेशिया में आए हुए 6 मंथ हो गया, 6 महीना हो गया। और मैं वो भट्टी पर काम करता हूँ, भट्टी का अपना कोपर कराने का काम होता है। ये काम करते हैं, तांबा कराते हैं, ये काम होता है। और सैलरी सुलरी कितना मिल जाता है? सैलरी वही 12 घंटा काम कराते हैं। लोग बोले थे कि इतना आधे घंटा कितना मिलेगा, 1500। यहाँ पर ला कर 12 घंटा काम करा के 1500 रुपया दे रहे हैं। और महीने में बोले थे कि 4 छुट्टी मिलेगा, दो छुट्टी दे रहे हैं, वो भी संडे के दिन नहीं, अपने मन से। जब उनको काम, जब मशीन बंद रहती है, भर्ती बंद रहता है, अपने मन से दो छुट्टी वो देते हैं। संडे उनका कुछ नहीं होता है। इस हिसाब से मान के चलो कि लगातार 300 दिन काम करना पड़ता है। कोई इमरजेंसी होता है, बताना पड़ता है छुट्टी के लिए? हाँ, इमरजेंसी छुट्टी, जैसे आपको कुछ तबीयत खराब है, इमरजेंसी में कभी बाई चांस एक आध छुट्टी हो गया तो हो गया, नहीं तो फिर कोई छुट्टी नाम का चीज़ नहीं। और जब ये लोग बुलाए थे इंडिया से, तो बोले थे भैया आपको इतना सैलरी मिलेगा, ऐसा है वैसा है। यहाँ पे आने एजेंट ने आपको कितना सैलरी बोला था? माइक खोला गया। एजेंट ने बोला था कि 50,000 रुपये मिलेगा, रहना खाना आपका फ्री रहेगा। और ठीक है, रहना खाना तो कंटेनर दे रखा है, कंटेनर में हम लोग रहते हैं, लेकिन खाना भी पहले कंटेनर में। नींद आ जाता है, गर्मी है क्या? पंखे वगैरह लगे हुए हैं? पंखे वगैरह लगा हुआ है। हाँ, तो अब मान लीजिए अब आदमी काम करेगा 12 घंटा, तो नींद तो आएगी, चाहे गर्मी लग जाए, कुछ जाता है, थक जाएगा। तो वही बात है, काम करते हैं अपना, कंटेनर पंखा वगैरह लगा है अपना, जाकर सो जाते हैं। कितना आदमी काम करता है उसमें? काम करने वाला आदमी कम से कम 22-23 आदमी। 22-23 सभी इंडिया का? सभी इंडिया का, 4-5 जो है बांग्लादेश के भी लोग हैं, उनका अपना अलग काम है। सबका सेम ही सैलरी है क्या? सबका सेम नहीं है, जो जैसा है, जिसका जिस सामान के चलिए आपकी उसमें सारा पुराना आदमी उसका थोड़ा ज़्यादा होगा, उसका थोड़ा ज़्यादा है। और काम तो सेम ही है, सबका काम एक जैसा ही है, काम में कोई फर्क नहीं है कि मतलब ये अलग काम करेगा, वो अलग काम करेगा। तो इंडिया से आप जब आए थे एजेंट के थ्रू, एजेंट ने मतलब क्या बोला था और कितने पैसे लिए थे आपके? एजेंट ने जो है पैसा उसने तो नहीं लिया, ये बोला था कि आप वहाँ पर चलो, आपको इतना सैलरी मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे लाने के बाद जो एजेंट ने अपना दिमाग लगाया है, 300 रिंगिट करके 6 महीने उसने सैलरी से काटते हैं, सैलरी से काटा है। हाँ, मान कर चलिए सैलरी से 300-300 रुपया काट रहा है, 6 महीना हो गया है। फिर आने वाले टाइम में भी अभी पता नहीं कितने दिन काटेंगे, तो वो तो उनका हो ही गया ना, फंसाने वाला काम। और सैलरी आपकी 1500 है, महीने में 300 रिंगिट काट लेता हर महीने, 1200 हो गया। हाँ, और 1200 में तो फिर आपका जो रोटी पानी का खर्चा खुद का? रोटी पानी का खर्चा नहीं, तो खर्चा पहले तो कंपनी ही देता है, खाना पीने का। पहले वो तमिल लोग हैं, उनसे खाना बना के पहले आता था। हाँ, अभी बोला है कि 450-350 रिंगिट खाने का पैसा लगा देगा, जब अपना हम लोग बनाएगा खुद ही खाना पड़ता है। पहले कंपनी देता था? कंपनी देता था, मतलब वही पैसा वही देगा, 350 रिंगिट वही देगा। हम उसको जो अपने हाथ से बनाना खाना, अपना हाथ से करना, मतलब राशन पानी देगा उसका, या पैसे देगा वो? पैसा देगा, अपना राशन बनाना खुद पड़ेगा, खुद अपना ला के बनाना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, गैस भी अपना खुद ही बनाना पड़ेगा, लाउल अपना खुद ही, अपना जो है व्यवस्था सब अपना ही करना पड़ेगा। मालिक कुछ नहीं देगा, बस 350 रिंग दे देगा महीने का, अपना बनाओ खाओ चाहे कुछ भी। तो आपका जो काम है फैक्ट्री के अंदर है? फैक्ट्री के अंदर काम, मतलब खतरनाक ही काम होगा भट्टी के अंदर? बहुत खतरनाक काम है। मैं तो कहूँगा कि जो भी कभी कोई भाई जब इंडिया से कैसे भी जो आता है अभी, तो किसी भी कंपनी में कोई एजेंट भेज रहा हो, तो पूरा बाकायदा अपना गूगल पर सर्च मार ले, कंपनी का जांच कर ले, जांच कर ले। उससे नहीं होता है तो कंपनी का कोई बंदा काम कर रहा है उससे अपना कॉन्टेक्ट करके, अपना तसल्ली से बात करके जांच कर ले कि भाई काम कैसा है, कैसा नहीं है। इधर आने के बाद आदमी फंस जाता है। तो अगर भट्टी पर जैसे काम करते हैं आपको, जो उसके जो इक्विपमेंट होते हैं, जैसे ग्लव्स वगैरह, कपड़े वगैरह, जूते वगैरह? ग्लव्स वगैरह, ग्लव्स तो देते हैं, लेकिन ग्लव्स जो है अपना वही नॉर्मल ग्लव्स है, कोई हैवी वाला ग्लव्स नहीं है, जो आप उसका आपको आग पड़ेगा तो आप बचा लोगे, वो तुरंत गल जाता है। और जूता मिलता है, बाकी ड्रेस वगैरह कुछ नहीं। तो आपका जो काम करते हो उधर का कोई वीडियो वगैरह पड़ा तो बाद में वीडियो लगा देगा? हाँ, वीडियो में मैं छोटा सा वीडियो बनाया हूँ, मैं आपको दे दूँगा, उसको आप
कैसे मतलब यहाँ भट्टी का काम होता है, कैसा मतलब करते हैं लोग? तो जैसे कि मलेशिया में बोला हुआ है कि बेसिक सैलरी मिलता है 8 घंटे का 1500, लेकिन वो आपसे काम करवा रहे 12 घंटे के 1500 दे रहे आपको। गवर्नमेंट का क्या हिसाब किताब है? वो तो लेबर तो मतलब ये तो जानता है कि चलो 8 घंटे का 1500 मिल रहा है, हाँ, लेकिन अब लेबर को वहाँ से थोड़ी पता है यहाँ पर कैसे लोग ट्रीटमेंट कर रहा है, कैसे क्या दे रहा है क्या नहीं दे रहा है, बॉस अपनी मर्जी से दे रहे अपने हैं। मर्जी से बोझ का यहाँ चलता है, क्योंकि गवर्नमेंट भी बोझ का ही सुनता है, हाँ, तो उसमें लेबर क्या कर सकता है, लेबर कुछ नहीं कर सकता है। मजबूरी हो जाती है हाँ, बंदे का। और सबसे पहले ना बात है, यदि आप कभी भी आ रहे हो इंडिया से, चाहे बांग्लादेश कहीं से भी आ रहे हो, पाकिस्तान से, तो सबसे पहले एग्रीमेंट पेपर आप उससे साइन, भाई ये जरूरी है। हम तो बिना एग्रीमेंट के आ गए, हम फंसे, हमको पता है जब कोई बंदा आ रहा है तो सीधा एग्रीमेंट कराए, भाई कौन सी कंपनी में भेज रहे हो उसका हमको एग्रीमेंट लेटर चाहिए, पूरा बाकायदा पढ़ो, आपको काम जच रहा है, कितना घंटा ड्यूटी करवाएगा क्या करवाएगा, पूरा वो एग्रीमेंट होगा, वो हाँ, आपके पास एक सबूत होगा। ये बात आपने बिन 100% सही बोली है। हाँ, यदि मान के चलिए कि वो भी एग्रीमेंट नहीं करा रहा, अगला इधर आ जा रहा है, उसको बोला जा 8 घंटे का तुमको इतना पैसा देगा, काम 12 घंटा करा रहा है, दबा के काम करा रहा है, पैसा कम दे रहा, तो तुम क्या कर सकते हो, कुछ नहीं कर जैसे कि पाओगे। आप इंडिया से आए हो, आपका कोई पैसा नहीं लगा, लेकिन आप जो जिस मैन पावर कंपनी के हाँ थ्रू हाँ आए हैं ना, हाँ हाँ वो कंपनी ने आपकी धीरे आपकी धीरे जो कंपनी है उससे पैसा ले लिया धीरे होगा, धीरे सैलरी से उनसे पैसा पैसा काट लिया, रहा और फिर आप फंस गए, आपकी है, जो हाँ, सैलरी है सैलरी से पैसा काट धीरे रहे धीरे हो। सैलरी से पैसा काट रहा है, अब वो अपना पूरा जो खर्चा किया है वो उसी से अगर निकालेगा। एग्रीमेंट के करके आते हैं ना, अगर आपको काम पसंद भी नहीं आता, तो हाँ, आपका एग्रीमेंट होता, जैसे एग्रीमेंट एक आपका साल का सबूत दो रहेगा, आप साल उसको का, देख के कुछ भी कर सकते हो, हाँ, उसको लेके आप इंडियन एम्बेसी में कंप्लेन कर हाँ सकते कंप्लेन थे, कर सकते हो, लेकिन अभी आप लेकिन कुछ नहीं कर सकते। बिना एग्रीमेंट के जो बंदा आएगा हाँ, वो हकीकत में 100% वो फंस जाएगा, और कंपनी से भाग भी नहीं सकता कंपनी फिर, से भाग भी नहीं सकता, एक बार परमिट मजबूरी लग है। गया ना, क्योंकि कंपनी भी तो इधर मलेशिया के अंदर 10 साल तक का आपका परमिट लग जाता, मतलब 10 साल की कंपनी बन जाती हाँ है, हाँ तो उसके परमिट बाद 10 साल फिर तक आप, वैलिड रहता है उसका, हाँ, हर साल मतलब रिन्यूअल हर करा साल के 10 साल रिन्यू, तक काम करवाता है लोग, यही है ना, कम बंदा फंस पैसा दे जाता के है। फंसा के आदमी को काम करवाता है लोग। अब खूब इमरजेंसी पड़ेगा तो आपको 3 साल के बाद एक बार जाने देगा, अब पैसा आपका फंसा कर रखेगा ताकि फिर 3 साल बाद ही हमारे पास ही आए, ये सिस्टम, ये बात है। तो कभी भी आप आओ मलेशिया में, अच्छे से जांच पड़ताल करो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि काम करने मत आओ, अपना जांच पड़ताल कर लो, एग्रीमेंट कर लो, अपना एजेंट क्या मांग रहा है क्या नहीं मांग रहा है, ऐसे अपना सब अपना सिस्टम देख लो कि मेरे को कैसे जाना है। हाँ, एक बात तो है, यदि आप बिना एग्रीमेंट करके आओगे तो चैलेंज के साथ मतलब आप फंसोगे, फंसोगे 101%, ये मैं खुद, हम लोग 21 आदमी फंसे, एक आदमी तो नहीं 21 आदमी जब आप काम करते हो, जैसे कभी कभी जल जल भी जाता होगा जलते कुछ, हैं, बहुत जलते हैं, वो मैं आपको दे दूंगा, मैं वीडियो आप उसको डाल दीजिए कैसे जलते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि मतलब कभी भी आप इंडिया से आओ चाहे कहीं से भी आओ काम करके, अपना एग्रीमेंट साइन करवाओ, वो आपका एक सबूत रहेगा, बाकी आप इधर ऐसे आओगे बिना एग्रीमेंट के पास। तो छोटे लाल भाई, आप इंडिया में क्या काम करते थे? इंडिया में केबल कंपनी में मैं काम किया हूँ, 10-12 साल में काम किया हूँ, मेरे को बुलाया भी गया था इसीलिए कि आपको केबल कंपनी में ही काम दिया जाएगा, और यहाँ पर ला के उसी तांबे के तार को गलाने का काम दे दिया ये लोग, तो मतलब हार्ड काम, खतरनाक खतरनाक काम। काम है, तो हार्ड काम उसको बोलेंगे, और मान के चलिए कि महीने में जब छुट्टी भी नहीं मिलेगा, आदमी को रेस्ट नहीं मिलेगा, 12 घंटा कंटिन्यू कैसे महीना 30-30 दिन आदमी काम। तो जैसे कि आप, आपकी जो सैलरी आती है, खर्चा पानी निकाल के आपका जो भी जेब पॉकेट खर्चा होता है, तो इंडिया आप कितना भेज देते हो? इंडिया वही 1100-1200 रिंगिट, तो मतलब 18-20 हज़ार रुपये बीस भी हज़ार 20,000-21,000 इंडिया में पैसा कितना कमाते हैं, जिससे ज़्यादा? इंडिया में तो मेरा पर्सनल 12 घंटा जब हम काम करते तो 25,000-26,000 रुपया हमारा सैलरी, खुद दिल्ली में, नोएडा में, अपना अपना ये नरेला में, इधर उधर बहुत जगह काम किया, जम्मू में भी काम किया मैं 10 साल, तो हमको सैलरी उधर इधर से ज़्यादा उधर सैलरी हमको मिलता था, इंडिया में ज्यादा था, ज़्यादा मिलता था। लेकिन जो लोगों को पीड़ा है ना विदेश में आने का, वो बाहर ही आके पता वो लगता बाहर है। आके मेरे को खुद पता चल गया है, आप मेरा हुलिया देख लीजिए, पता चल जाएगा कि ये इंडिया के है बंदा लग रहा है, इंडिया से आया हुआ इधर मलेशिया में कमाने के लिए। लेकिन देखो, हम ये नहीं कहते कि बाहर नहीं आए, आप आए, अगर आपका आपका आपको आना है, काम काम करना है, आप ये सोच रहे हैं कि मैं विदेश में जाएगा अपना फ्यूचर सेट करेगा, करो आप, अगर आपके अंदर कोई हुनर है। लेकिन एजेंट क्या करते हैं, एजेंट फंसाते हैं, वो हुनर वाले को भी यहाँ फंसा दे रहे हैं लोग, चाहे एक बंदा कितना ही पढ़े लिखा हो, वो यहाँ आने के बाद वो लेबर में ही जाता है वो भाई। पकड़ लेते हैं ना, हाँ, तो सिर्फ एग्रीमेंट मेन चीज है, जब जब बंदा जब पढ़ा लिखा होता है ना, जैसे हाँ। जैसे किसी कंपनी में, जैसे होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया है, कोई इंजीनियर का कोर्स किया है,
वो कंपनी आपको लेके आएगी, सब आपको अच्छी ऑफिस की जॉब मिल हाँ सकती हाँ है। लेकिन अगर आप एजेंट के थ्रू आ रहे हैं ना, आप चाहे एमए बीए पीएचडी हाँ कुछ भी किया हो, आपको तो लोकल लाके तो कैटेगरी हेल्पर में ही काम करवाना है, है, दूसरा कोई हेल्पर काम ही नहीं। काम करवाना है। मेन चीज है एग्रीमेंट, एग्रीमेंट हाँ नहीं करवाया है तो आपको इधर आके हेल्पर ही करना पड़ेगा, इस बात को आप लिख के उधर से चलना। एग्रीमेंट कराओगे पहले जांच करोगे कंपनी का, उसके बाद आप आओ, कोई दिक्कत नहीं है, तमाम अच्छा पैसा मिलता है यहाँ पर भी। लेकिन लेबर कैटेगरी में वही है, 1500 दिन के लोग देते हैं, काम 12 घंटे कराएंगे, छुट्टी उनके ऊपर है, मनमानी उनका चलता है, जब मर्जी जब छुट्टी देते हैं, जब मर्जी जब काम पर लगा देते हैं, तो ये सब दिक्कत है यहाँ पर मलेशिया में। और बाकी सब ठीक है, इतना है मतलब इतना कमाना है तो इंडिया छोड़ क्यों आना है, तरी कमाना होगी, अपना धंधा पानी कुछ कर लो, जी करे तो कोई अच्छा काम करके अपना कमा, 20-25 हज़ार तो इंडिया में ही कमा लेता है। सही बात है, जब 3 साल 4 साल जाने नहीं देते ये लोग, वो हर साल 2 महीने का तनख्वाह काट के रख लेगा अपने पास, बोलेगा कि भाई जब जाएगा घर तब देगा, अब अगले का वो 22,000-25,000 मान के चलिए तो 50,000 फंसा कर लिया, मानिए 50,000 फंसा कर रख लिया। इंडिया से पैसा नहीं दे के आए थे, मतलब मेरे पास कोई ना भी ना पैसा उधर नहीं। पैसा नहीं दिया, अगर मैं पैसा नहीं दिया तो झूठ क्या बोलना था। ये इसलिए तो ताकि बंदे को लगेगा हाँ कंपनी तो पैसे ही नहीं दे रही, हाँ तो हाँ सही है, कंपनी काम भी सही होगा। तुमने बोला था कि सारा पैसा कंपनी दे रही है, आपको कुछ नहीं देना है, अब मुझे को अब हमको क्या पता कि यहाँ पे आने के बाद तो ऐसा यही होगा। है ना, तो फ्री में तो फिर हाँ हाँ लालच होता है ना, जो यही बात है। तो मान लीजिए फंस अगर गए फ्री में तो कोई चीज दे रहा है ना, तो ये समझ ले आपसे वो बहुत कुछ लेने वाला है, उसको उस पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए, वही बात है, समझा। तो बहुत बहुत शुक्रिया छोटे भाई, छोटे लाल भाई। ठीक है तो गैस ये अपना सब्सक्राइबर था ये, तो ये इधर घूमने आया हुआ था, तो मुझे मिल गया, इसने मुझे बोला कि मैं आपके साथ वीडियो बनाना चाहता हूँ, मलेशिया के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ। तो मैंने इससे बात की, आपने भी देख लिया होगा, इस भाई ने बताया कि फैक्ट्री में काम करता, बहुत हार्ड काम करता है। तो जो भी भाई मलेशिया में आना चाहता है ना एजेंट, उससे बचे, जैसे कि भाई ने बताया कि ये फ्री में आया, जो मैन पावर एजेंसी है कोई फ्री में इसको भेजा है, लेकिन अभी सैलरी से पैसे काट रहे हैं, लेकिन काम बहुत खतरनाक है। तो अगर आप जब मलेशिया में रहते हैं ना, तो अपने काम के बारे में सर्च करें, जो भी कंपनी आपको दे रहे हैं ना उस कंपनी के बारे में गूगल पे सर्च करके देखें कि कैसा काम है, ताकि आप इस तरह के काम से बच सके। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि आप नहीं आए, आप आए, आप जिस भी कंट्री में जाना चाहते हैं आप जाए, लेकिन अपने काम के बारे में सर्च करें। ये भैया वीडियो अच्छा बनाते हैं, और रियल जो कहते हैं ना वो वीडियो में रियल कहते हैं, मैं जांच किया हूँ, मतलब जांच किया हूँ, मैं अनुभव किया हूँ कि भैया जो कहते हैं वो सच कहते हैं। और मैं इनका वीडियो देखा था, सब्सक्राइब किया था, तो मैं इधर आया था खेल घूमने के लिए, तो भैया मिल गए, तो फिर इनसे मैं ये बोले कि नहीं चलो भैया 2 मिनट का वीडियो बनाते हैं, थोड़ा आप भी कुछ बता दो, तो मैं भी जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं आपको बता दिया। लेकिन भैया का चैनल आप देखोगे, वीडियो देखना, सब्सक्राइब करना, और वीडियो को शेयर करना, ताकि और लोगों को पता चले जो फंसने से यहाँ बच सके। मैं यही कहूँगा, ताकि यहाँ पर बहुत धांधली है लेबर मामले में लेकर, इस चीज़ को आप लोग थोड़ा गौर करिएगा, और मलेशिया में आने से बचेगा, बचिएगा, क्योंकि मलेशिया में जो है लेबर कैटेगरी में जो आते हैं ना, उनकी जिंदगी बिल्कुल बेकार बेकार बिल्कुल बेकार फंस जाता है, जाना मुश्किल हो जाता, जाना मुश्किल हो जाता, 3 साल तक जाने नहीं देते ये लोग, 3 साल तक पहले फंसा कर रखेंगे, फिर 3 साल के बाद आप जाओगे तो फिर 2 महीने का पैसा रोक कर रखेंगे, ताकि जा भाई आना तो पैसा मिले। नहीं बंदा बंदा आए, अगर काम साफ सुथरा है कोई दिक्कत नहीं, सर्विस 100 रुपये 100 रिंगिट कम भी कम चलेगा, तो लेकिन चलता काम है। अच्छा होना चाहिए हाँ। ना, अब लेकिन हार्ड काम ये लोग बंदा भी भट्टी पे काम कर रहा है 12-12 घंटे, हाँ 12 घंटे भी काम थोड़ी करवाते हैं, 1500 दिन के 12 घंटे काम करवाते हैं, अब फंसने के बाद बंदा जाए तो जाएगा, क्या करेगा, काम मजबूरी होता है उसका, काम करना खाएगा, काम करेगा, अपना घर पर रोता बैठा था, एक बात है यहाँ पे हार्ड वर्किंग होता है, करवाते हैं मालिक लोग, और गवर्नमेंट का मतलब वही, गवर्नमेंट कुछ कर नहीं पाती है। चलो सही है फिर छोटे लाला, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, टेक केयर।